इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है रमेश चंद अनिता जैन सपरिवार गगेरू वाले सूरजमल विहार दिल्ली, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सूरजमल विहार दिल्ली। वीर साशनम मंगलम वीर साशनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्झायाडम नमो लोए सौवशाहुडम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। पेज नंबर 61। शिव गुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव है सार, केवल निज आनंद करी करूं सुजस उचार। शिव गुण मोक्ष के जो गुण हैं उन पर श्रद्धा धार, उन पर मात्र मैंने श्रद्धा धारण की है कि हे प्रभु, जैसे मोक्ष आत्मा में गुण प्रकट होते हैं वैसे ही गुण मुझ में प्रकट हों, ऐसी श्रद्धा को धार करके। भक्ति भाव है सार, सब कुछ का जो एसेंस है निचोड़ है वो भक्ति भाव है। केवल निज आनंद करी, अपने आप को मात्र आनंद करने के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने आत्माओं को आनंद करने के लिए करूं सुजस उच्चार। क्या कर रहा हूं? आपके जो सुयस हैं, कीर्ति है, प्रशंसा है, उनका मैं उच्चारण कर रहा हूं गुणों का। तो किसके लिए कर रहा हूं? दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आनंद। जय मदन कदन मन करण नास, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ छोव मद दम चूर। जय हो प्रभु आपकी। मदन कदन, जो मदन है, जो काम है, उसको आपने नष्ट कर दिया। मन करण नाश, मन और करण मतलब पांच इंद्रियां, तो पांच इंद्री और मन के जो विषय हैं उसको भी आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया, ठीक है ना। तो पांच इंद्री मन के विषय और मदन काम भोग, जो काम भोग थे इसको भी आपने कर्दन कर दिया। इसलिए हे प्रभु आपकी, शांति रूप हैं आप, निज सुख विलास, अपने ही निज सुख में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, विलास करते हैं, मतलब उसी में ही रासलीला है उनकी। किसमें? निज सुख में, और किसी परम के सुख में, इंद्रिय सुख में कोई इनकी लीला नहीं है। किसमें लीन रहते हैं? निःसुख में ही लीन रहते हैं। इसलिए आप शांति के रूप हैं। आपकी जो पर में निवास करेगा वो अशांत रहेगा, जो स्व में निवास करेगा वो शांति रहेगा। कपट सुभट, कपट रूपी जो सुभट है, योद्धा है, कपट रूपी, छल रूपी, मायाचर रूपी जो योद्धा है, उसको पटकरण, उसको पटक के सूर हो गया। क्या हो गए? सूर कैसे होते हैं? निश्चल जिसका भाव होता है वो सूर होता है। जो छल से किसी को जीतता है तो वो सूर थोड़ी होता है,
पीठ पीछे कुछ बोलना, दम है तो सामने बोल के दिखाओ, है लड़नी है तो सामने लड़ो ना, फिर आमने सामने क्या पीठ पीछे बातें करते हो, पीठ पीछे क्या बोलते कि बोलते छोरा क्या बोलते हैं, मुख में राम बगल में, हाँ वो तो तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, पीठ पे छुरा, हाँ तो ये सब क्या, ये छल कपटी लोग होते हैं। आप तो बिल्कुल निश्चल कि जो भी होगा उस कपट को सुभट की योद्धा को पटक देंगे और निश्चल हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, इसलिए आपकी जय हो। आप सूर हैं, लोभ क्षोभ मद दंभ चूर, और किसको चूर कर दिया, लोभ को, क्षोभ राग द्वेष को, ठीक है ना, क्या होता है क्षोभ और मोह, मोह मतलब मेरा मिथ्यात्पना, क्षोभ मतलब राग द्वेष, जैसे समुद्र की लहरों में क्षोभ पैदा होता है, तो लहरें क्षोभ पैदा होती है तो उसके अंदर कुछ देख थोड़ी सकते हो, शांत हो तो उसके अंदर कुछ देखा जाए, ऐसी राग द्वेष का क्षोभ लहरें उत्पन्न हो रही हैं तो हम अपनी आत्मा को क्या देख पाएंगे, तो बोले कि ये राग द्वेष का क्षोभ दूर कर दिया, जो मद दम्भ, जो हमें मद था रूप का, रुपया का, रिद्धि का, वैभव का, ज्ञान का, धन का, जो बहुत इसमें हम अपने आप को दम्भ समझते थे, अरे मेरे पास सब बढ़िया है, तुम क्या समझते हो, तो ये उसको क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया आपने। जय परणत पर परणति सो अत्यंत भिन्न, निज परणति सो अति ही अभिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष, लशेष शोध राखो न लेस। पर परणति सो अत्यंत भिन्न, इस शरीर की परिणति शरीर में है, परिवार की परिणति परिवार में है, घर की परिणति घर में है, और आत्मा की परिणति आत्मा में है। मैं संसार में पर की परिणति को अपनी परिणति मानता था, शरीर में कुछ हो गया तो सोचता था मुझे कुछ हो गया, परिवार में कुछ हो गया तो सोचता मुझे कुछ हो गया, किसी ने मेरे गीत गाए तो मैं उसमें खुश हो जाता था, कोई मेरी प्रशंसा करे निंदा करे तो किसी में सुखी किसी में दुखी हो जाता था, जबकि वो मेरी निज आत्मा की प्रशंसा निंदा नहीं, वो किसकी करता था, जिसको देखता था उसकी करता था, तो दिखता क्या था, आत्मा की शरीर, तो पर की परिणति में खुश होना क्या होना, हजारों लाखों के बीच में और तुम्हारा नाम ले लिया जाए, आओ सेठ जी आप आइए, ठीक है ना, नाम लेकर के, तो उसमें खुश हो रहा है, जबकि वो पुद्गल की परिणति है, किसकी परिणति है, शब्द परिणति नाम परिणति पुद्गल की आत्मा की थोड़ी है, तो जो पर की परिणति में रमण करेगा वो दुख रहेगा, जो निज परिणति करेगा वो सुखी रहेगा, इसलिए पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, शरीर का परिणमन, हाथ जोड़ो बोलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये ध्यान रखोगे तो सुखी रहोगे, तुम जानो भैया, तुम जान रहे तुम्हारा काम है, मैं जानू मेरा काम है, ठीक है ना, तो ये यही भेद ज्ञान है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तेरा परिणमन तेरे साथ मेरा परिणमन, बस इतना रख लोगे तो निज परिणति उत्पन्न हो जाएगी, तो निज परिणति से तो अत्यंत अभिन्न है, अलग नहीं हो सकते, पर की परिणति से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसकी परिणति उसमें हो रही है मुझ में नहीं हो रही। हे प्रभु आपने ऐसा महापुरुषार्थ किया, क्योंकि अनादि काल से हम पर की परिणति को अपनी परिणति मानते आए हैं, इसलिए हम दुखी रहे, ठीक है, अत्यंत विमल हैं,
विमल क्यों है? क्योंकि द्रव कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीन प्रकार के कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है, इसलिए आप विमल नहीं अत्यंत विमल हैं। घी शुद्ध घी है, घी तो घी है पर कैसा है? शुद्ध घी है। विमल तो है पर कैसे हैं? अत्यंत विमल हैं। सभी विशेष, जितने आपके विशेष हैं, मतलब विशेष मतलब जितने भी गुण आपके हैं, विशेष तो गुण होते हैं ना, तो जितने आपके गुण हैं वो सभी कैसे हैं? विमल हैं। मल शेष शोध राखो नलेश, इतना शोधन किया कि एक कण मात्र भी अपने में किसी राग का या कर्म का अपने पास शेष नहीं रखा। ठीक है, इसलिए हे प्रभु आपकी जय हो। वो ऊपर से लगाते जाओ, ऊपर का बहता जाएगा, जय हो जय हो। मणिदीप सार निर्विघ्न ज्योति, स्वाभाविक निज ओद्योत हो, त्रैलोक शिखर राजत अखंड, संपूर्ण दुति प्रगति प्रचंड। मणिदीप ही सबसे सारभूत प्रकाश है, जो कैसी है? निर्विघ्न ज्योति। देखो ये दिया, दिया की ज्योति क्यों हो रही है, यहाँ वहाँ क्यों हो रही है, हिल क्यों रही है, है? और मणि का दीपक हिल सकता है क्या? कितनी भी हवा चले, कितना भी तूफान चले, अचल रहेगा। क्या रहेगा? अचल रहेगा। निर्विघ्न ज्योति मणि दीप, जैसे मणि का दीप उसका प्रकाश अचल है हवा से यहाँ वहाँ, ऐसे ही आपने केवल ज्ञान की ज्योति अपने अंदर पैदा की है, वो स्वाभाविक है। जैसे मणि का प्रकाश स्वाभाविक है, वो किसी से चलायमान नहीं हो सकता, ऐसे ही जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है वो स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त किया है, वो चलायमान। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो कर्मजन है, कर्म का निमित्त है, उसका क्षयोपशम चाहिए, ये चाहिए, निमित्त चाहिए, सास चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, तब जाकर के दिमाग लगे, समझ में आए। तो मति ज्ञान तो हिलता हुआ, मंगल सेन जी, हिलता हुआ दीपक का प्रकाश है, कब बुझ जाए पता नहीं, लेकिन मणि का दीप प्रकाश बुझने वाला, ऐसा केवल ज्ञान स्वाभाविक निज उद्योत होते, लिखा है ना, निज उद्योत, उद्योत मतलब प्रकाश, स्वाभाविक रूप से अपने में प्रकाशित होता है। और सुनो, जैसे दिए को ऊंचे स्थान पर रख दो तो प्रकाश, एक खम्मा बीच में लगाओ और ऊपर रख दो तो उसका प्रकाश क्या हुआ, ऐसे सिद्ध भगवान आप ऐसे मणि दीपक हो जो तीन लोक के ऊपर जाके विराजमान हो गए और सारे तीन लोक को प्रकाशित कर रहे हो। लिखा है, देखो आगे, मुंडी मत मटकाओ, त्रैलोक शिखर राजत, कहां पर है, कहां पर राज रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं तीन लोक शिखर में, और कैसा है वह अखंड, वो तुम लोग आते हैं मंदिर में अखंड दीपक तब भी बुझ जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा अखंड दीपक ज्ञान ज्योति है जो ऊपर विराजमान है और क्या हो रहा है, संपूर्ण दुति प्रगति प्रचंड, और वहां से दुति प्रकाश संपूर्ण तीन लोक में क्या है, अरे चारों गति में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो वहां का प्रकाश सब जगह जा रहा कि नहीं जा रहा, बोलो। जब सम्यक दर्शन चारों गति में है तो भगवान की केवल ज्ञान का प्रकाश जो उसे प्रकट कर ले उसे ही। हाँ, मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिसे ही प्रकाश सो न सत सार, सो सुलभ रूप पायो न अर्थ, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ।
जो वो प्रकाश है, वो जो केवल ज्ञान प्रकाश है, तिस ही प्रकाश सो नसत सार, उस ही केवल ज्ञान के प्रकाश से नाश होता है। क्या नाश होता है? मुनि मन मंदिर को अंधकार। मुनि के मन मंदिर में जो भी अज्ञानता का अंधकार है, वो भी उस केवल ज्ञान के प्रकाश से क्या होता है? महाराज जी, मुनिराज को भी अज्ञान का अंधकार होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अज्ञानी ही मानो। क्या मानो? हाँ, जो कर्म जन कर्म की सहायता लेने वाला ज्ञान, वो ज्ञान किस काम का ज्ञान? तो बोले अज्ञान ही समझो, इसलिए वो भी अज्ञानी है। पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी वाले अज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी होने के कारण अज्ञानी है। तो उनका अल्प ज्ञान का जो अंधकार है, उसको भी वही केवल ज्ञान प्रकाश जो है, क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। सो सुलभ पायो न अर्थ, जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं लिया है, उनको सुलभता से तत्व का ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब स्वभाव, अर्थ का मतलब पर्याय, और अर्थ का मतलब धन। अब तुम्हें किसमें क्या लगाना, लगा ले। यहां तो सुलभ रूप पायो न अर्थ, अर्थ मतलब स्वभाव, अपना आत्मा का स्वभाव सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता जिसने केवल ज्ञान में नहाया, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ। और जिसने इसको प्राप्त नहीं किया, जिन मुनि नारद ने भी इस ज्ञान को प्रकट नहीं किया, तो भव भव में क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। जो कल्प काल में हो तो सिद्ध तुम छिन्न ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, भवि पतन को उद्धार हेत हस्तावलम्ब तुम नाम देत। कल्प काल में होत सिद्ध, जो भी कल्प काल में जितने सिद्ध हुए हैं, आगे होंगे, तुम छिन्न ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, वो सभी कैसे होंगे? क्षण मात्र के लिए आपका जो ध्यान करेगा, या आप जैसे स्वरूप का अनुभव करेगा, वही सिद्ध बन पाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप भवी भव्य जीवों के पततन को उद्धार हेतु, वो जो गिर रहे हैं, संसार में गिर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, पतित हैं, उनके उद्धार में आप हेतु हो, क्योंकि आपका क्षण मात्र ध्यान करने मात्र से वो क्या बन जाते हैं? बोलो, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसलिए आपको जगत में एक नाम दिया जाता है, हस्तावलंब। क्या नाम दिया जाता है? जैसे कोई गिर जाए और उसको आपने हाथ का अवलंबन दे दिया, तो वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो हे सिद्ध भगवान, आपके अनंत नाम में एक नाम आपका और भी है। क्या नाम है? हस्तावलंब। जो संसार में पतित हो रहे हैं, उनको हस्त का अवलंबन देना, सहारा देना, ऐसा आपका काम है। इसलिए आप हस्तावलंब नाम से भी जाने जाते हैं। आपकी जय हो। तुम गुण सुमिरन सागर अथाय गण धर सरीक नहीं। तेज बोलो। जो भव दधि पारे अभव रास पावे न प्रथा उद्यम प्रयास। तुम गुण सुमिरन, तुम्हारे गुणों का जो सुमिरन है, सागर जैसे अथाय है, जैसे एक छोर में खड़े हो जाओ समुद्र के, तो दूसरा छोर दिखता है क्या? किनारा दिखता है? ऐसे ही आपके हम गुणों का बखान करें, वर्णन करें, देखना प्रारंभ करें, तो अंत तो हो ही नहीं सकता। अरे गढ़धर सरीक नहीं पार पाए,
गणधर मना परे ज्ञानी वो वर्णन करना प्रारंभ करें, वो भी आपके गुणों को पूरा वर्णन नहीं कर पाए, फिर तो हम जैसे लोग कैसे मामूली लोग हैं। बोलो, मूली नहीं है? क्या कह रहे? हाँ, जो भव दधी पार अभव्य रास, अभव्य की जो राशि है संसार में, भवदधी मतलब संसार समुद्र को पार, अभव्य राशि जितनी अभव्य राशि है पावे ना वृथा उद्यम प्रयास, अभव्य जितने जीव हैं संसार में वो संसार समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे, उनका तो उद्यम क्या है? व्यर्थ है। ठीक है ना? तो क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे अभव्य राशि अनंत 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 काल तक भी उद्यम करे तो मोक्ष, ऐसे गणधर शरीर के जीव भी अनंत 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 काल तक भगवान के गुणगान करते रहे तब भी, वो एक एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है? अभव्य का एग्जाम्पल दिया है, वो उदाहरण समझाने के लिए। समझ में आया ना? हाँ। जिन मुख द्रह सोने कसी अभंग अति वेग रूप से धांत गंग नय सप्त भंग कल्लोल तिहुं लोक बही धारा प्रमाण। अब भगवान को वहां से ऊपर से धारा निकल रही, जिन मुख, जिनेन भगवान के मुख रूपी द्रह, द्रह द्रह मतलब सरोवर, मुख रूपी सरोवर से निकसी, सर्वांग रूपी सरोवर, सर्वांग से क्या निकली और कैसे निकली? अभंग धारा, बिल्कुल प्रभाव से, भंग भंग होकर के नहीं, टुकड़े में होकर के नहीं, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू। जिनेन भगवान के मुख रूपी द्रह से सरोवर से अभंग रूप से क्या निकली? अति वेग रूप से, अभंग से भी और स्लोली स्लोली नहीं, बिल्कुल अति वेग रूप से क्या निकली? सिद्धांत रूपी गंगा। क्या निकली? बोलो। भगवान के मुख से जिनवाणी आत्मकल्याण की वाणी निकली वही सिद्धांत रूपी गंगा है, और हम सब लोग उस सिद्धांत रूपी गंगा में स्नान करने वाले हैं। ये जल के सरोवर में स्नान करने वाले हम लोग नहीं है। कहाँ स्नान करते हम? सिद्धांत रूपी गंगा में। किसमें स्नान करते हैं? सिद्धांत किसे कहते हैं? ठीक है, आगम को कहते हैं, कोई बात नहीं। बोलो, सिद्ध अंत दोनों मिला दो क्या बनेगा? सिद्ध प्लस अंत क्या बन गया? सिद्धांत। जो भगवान की वाणी तुम्हें अंत में सिद्ध बना दे उसका नाम सिद्धांत। क्या बना दे? जो वाणी सिद्ध ना बनाए वो सिद्धांत नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। जिनेन भगवान की वाणी भव्य जीवों के कल्याण के लिए निकलती है, और भव्य जीव भगवान बने इस भाव से निकलती है, और वो वाणी यदि सिद्ध नहीं बना रही है तो वो सिद्धांत नहीं कहलाएगी। कोई भी शास्त्र उठा लो और उससे तुम्हें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो रही, वो हमारा शास्त्र नहीं हो सकता है। और आप सारा पढ़ लेना, इसके लिए तो घंटों प्रवचन है, अभी समय नहीं है, बताएंगे कभी सिद्धांत। नए सप्त भंग कल्लोल, अच्छा गंगा में क्या होती है? लहरें, लहरें उठती है ना, उछल उछल के लहरें आती है, ठीक है ना। तो यहां भी भगवान की वाणी रूपी जो गंगा है उस गंगा में लहरें उत्पन्न हो रही हैं,
नए सप्त सात प्रकार के सप्त भंग हैं, उसकी कल्लोल उसकी लहरें। आचार्य जी बोलते थे कि भैया गंगा के किनारे में जाकर के, नदी के किनारे में जाकर के गाय सिर्फ अपना मुंह खोल ले, बस क्या कर ले, और लहरें आएंगी और सीधे उछल उछल के कहाँ जाएंगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोल रहे हैं ऐसे ही देव शास्त्र रूपी गंगा के पास आकर के सिर्फ अपने कान खोल लो, अपनी आंख खोल लो और कुछ नहीं करना है, बाकी काम तो गुरु महाराज कर ही देंगे। समझ में आया ना, है सब अंदर भगवान का ज्ञान मोक्ष मार्ग सब दे देंगे। तो गाय इतना तो पुरुषार्थ करे कि गंगा के किनारे पीने का पुरुषार्थ ना करे, सिर्फ मुंह खोल के खड़ी हो जाए बस वो, ठीक है ना। ऐसे ही बोले सप्त भंग, भगवान की वाणी कैसी है, सप्त भंग, सात भंग होते हैं। कितने भंग होते हैं देखो, कोई भी अपने मन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको अपन सात प्रकार से पूछ सकते हैं। कितने प्रकार से, और कोई भी आंसर देना होगा तो एक ही प्रश्न का सात प्रकार से आंसर भी दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं सप्त सात प्रकार का भंग। कितने प्रकार का, हाँ सात प्रकार का भंग बनता है। तीन चीज के लीजिए और तीन चीज के सात प्रकार के भंग बन जाते हैं, ठीक है ना। बोलो अस्ति नास्ति अवक्तव्य, वस्तु है, बोलो वस्तु है, वस्तु नहीं है, कही नहीं जा सकती, है या नहीं को एक साथ नहीं कह सकते हैं। तो जैसे क्या बोलते कि आप दरवाजे में खड़े हो, श्वेता कहाँ खड़े हो, दरवाजे में खड़े हो, और तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ खड़े हो, तो तुम उसको सात आंसर दे सकते हो। मंगललाल जी कितने, मंगलसेन जी कितने, सात आंसर दे सकते हो। आपको स्यात लगाना पड़ेगा, स्यात मतलब अपेक्षा, कथनचित मैं मंदिर के अंदर हूं, क्योंकि एक पैर मेरा अंदर है इसलिए मैंने आंसर क्या दिया कथनचित, और दूसरा आंसर ये दे सकते कथनचित मैं मंदिर के, क्योंकि एक पैर मेरा बाहर है। कितने आंसर हो गए, तीसरा आंसर दे सकते हो कथनचित मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं, तीन हो गए। चौथा आंसर दे सकते हो अवक्तव्य, बोलो मैं बता नहीं सकते मैं कहां हूं, क्या मेरे वचन का विषय नहीं है, क्योंकि मैं अंदर बताऊं कि बाहर बताऊं, मैं एक साथ आंसर नहीं दे सकते हूं, इसलिए मेरा आंसर क्या है अवक्तव्य, मैं बता नहीं सकते। कितने बन गए, हो गया याद रहेगा, बोलो स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, चार हो गए ना, स्याद अस्ति मैं अंदर हूं, नास्ति से उत्तर देना है, मतलब किसी चीज का आंसर हमको सकारात्मक देना है या नकारात्मक देना है या दोनों मिला के देना है, ये दोनों का नहीं देना। यदि हमको देखो अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सकारात्मक है, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये कौन सा है, दोनों के अर्थ एक ही हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं, पर समझाने का तरीका अलग अलग है। एक से सिर्फ पॉजिटिव कहा जा रहा, भाई देखो आप जो है सत्य का पालन करा करो, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव बोले तो सुनो झूठ मत बोला करो, तो नेति नाना लगा के बोलो, तो ऐसी एक ही वस्तु अस्ति और हाँ, जैसे रमेश जी हैं, भाई मैं पुरुष हूँ अस्ति, क्या है मैं पुरुष हूँ अस्ति, अब मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, तो मेरे में ही नास्ति भी है अस्ति भी है और मेरे में किसी अपेक्षा से, पक्का ध्यान रखिए ना, ये तो कौन से कितने हो गए थे, कितने हो गए थे लक्षिता, चार हो गए, तो ध्यान रखना। अब पांचवा बनाएंगे स्याद अस्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं अंदर हूं पर बता नहीं सकता,
स्याद नास्ति अवक्तव्य, कथनचित में बाहर हूं पर बता नहीं सकता। कितने हो गए? छह। वीर साशनम मंगलम, वीर साशनम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाडम, नमो वज्झायाडम, नमो लोए सौवशाहुडम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नाया श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य प्रगसागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। पेज नंबर 61। शिव गुण श्रद्धा धार और भक्ति भाव है सा, केवल निज आनंद करी करूं सुजस उचार। शिव गुण मोक्ष के जो गुण हैं उन पर श्रद्धा धार, उन पर मात्र मैंने श्रद्धा धारण की है कि हे प्रभु, जैसे मोक्ष आत्मा में गुण प्रकट होते हैं वैसे ही गुण मुझ में प्रकट हों, ऐसी श्रद्धा को धार करके। भक्ति भाव है सार, सब कुछ का जो एसेंस है निचोड़ है वो भक्ति भाव है। केवल निज आनंद करी, अपने आप को मात्र आनंद करने के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने आत्माओं को आनंद करने के लिए करूं सुजस उच्चार। क्या कर रहा हूं? आपके जो सुयस हैं, कीर्ति है, प्रशंसा है, उनका मैं उच्चारण कर रहा हूं गुणों का। तो किसके लिए कर रहा हूं? दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आनंद। जय मदन कदन मन करण नास, जय शांति रूप निज सुख विलास, जय कपट सुभट पट करण सूर, जय लोभ छोव मद दम चूर। जय हो प्रभु आपकी। मदन कदन, जो मदन है, जो काम है, उसको आपने नष्ट कर दिया। मन करण नास, मन और करण मतलब पांच इंद्रियां, तो पांच इंद्री और मन के जो विषय हैं उसको भी आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया। ठीक है ना? तो पांच इंद्री मन के विषय और मदन काम भोग, जो काम भोग थे इसको भी आपने कर्दन कर दिया। इसलिए हे प्रभु आपकी, शांति रूप हैं आप, निज सुख विलास, अपने ही निज सुख में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, विलास करते हैं, मतलब उसी में ही रासलीला है उनकी। किसमें? निज सुख में, और किसी परम के सुख में, इंद्रिय सुख में कोई इनकी लीला नहीं है। किसमें लीन रहते हैं? निज सुख में ही लीन रहते हैं। इसलिए आप शांति के रूप हैं आपकी। जो पर में निवास करेगा वो अशांत रहेगा, जो स्व में निवास करेगा वो शांति रहेगा। कपट सुभट, कपट रूपी जो सुभट है, योद्धा है, कपट रूपी, छल रूपी, मायाचर रूपी जो योद्धा है, उसको पटकरण, उसको पटक के सूर हो गया। क्या हो गए? सूर कैसे होते हैं? निश्चल जिसका भाव होता है वो सूर होता है। जो छल से किसी को जीतता है तो वो सूर थोड़ी होता है,
पीठ पीछे कुछ बोलना, दम है तो सामने बोल के दिखाओ, है लड़नी है तो सामने लड़ो ना, फिर आमने सामने क्या पीठ पीछे बातें करते हो, पीठ पीछे क्या बोलते कि बोलते छोरा क्या बोलते हैं, मुख में राम बगल में छुरा, हाँ वो तो तुम बोलो मैं नहीं बोलूंगा, पीठ पे छुरा, हाँ यही बोलते हैं। तो ये सब क्या, ये छल कपटी लोग होते हैं। आप तो बिल्कुल निश्चल कि जो भी होगा उस कपट को सुभट की योद्धा को पटक देंगे और निश्चल हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, इसलिए आपकी जय हो। आप सूर हैं, लोभ क्षोभ मद दंभ चूर, और किसको चूर कर दिया, लोभ को, क्षोभ राग द्वेष को, ठीक है ना, क्या होता है क्षोभ और मोह, मोह मतलब मेरा मिथ्यात्पना, क्षोभ मतलब राग द्वेष। जैसे समुद्र की लहरों में क्षोभ पैदा होता है, तो लहरें क्षोभ पैदा होती है तो उसके अंदर कुछ देख थोड़ी सकते हो, शांत हो तो उसके अंदर कुछ देखा जाए, ऐसी राग द्वेष का क्षोभ लहरें उत्पन्न हो रही हैं तो हम अपनी आत्मा को क्या देख पाएंगे। तो बोले कि ये राग द्वेष का क्षोभ दूर कर दिया, जो मद दम्ब, जो हमें मद था, रूप का, रुपया का, रिद्धि का, वैभव का, ज्ञान का, धन का, जो बहुत इसमें हम अपने आप को दम्ब समझते थे, अरे मेरे पास सब बढ़िया है, तुम क्या समझते हो, तो ये उसको क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया आपने। जय परणत पर परणति सो अत्यंत भिन्न, निज परणति सो अति ही अभिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष, लशेष सो धराखो नलेश। पर परणति सो अत्यंत भिन्न, इस शरीर की परिणति शरीर में है, परिवार की परिणति परिवार में है, घर की परिणति घर में है, और आत्मा की परिणति आत्मा में है। मैं संसार में पर की परिणति को अपनी परिणति मानता था, शरीर में कुछ हो गया तो सोचता था मुझे कुछ हो गया, परिवार में कुछ हो गया तो सोचता मुझे कुछ हो गया, किसी ने मेरे गीत गाए तो मैं उसमें खुश हो जाता था, कोई मेरी प्रशंसा करे निंदा करे तो किसी में सुखी किसी में दुखी हो जाता था, जबकि वो मेरी निज आत्मा की प्रशंसा निंदा नहीं, वो किसकी करता था, जिसको देखता था उसकी करता था। तो दिखता क्या था, आत्मा की शरीर, तो पर की परिणति में खुश होना क्या होना, हजारों लाखों के बीच में और तुम्हारा नाम ले लिया जाए, आओ सेठ जी आप आइए, ठीक है ना, नाम लेकर के, तो उसमें खुश हो रहा है, जबकि वो पुद्गल की परिणति है। किसकी परिणति है, शब्द परिणति, नाम परिणति, पुद्गल की आत्मा की थोड़ी है। तो जो पर की परिणति में रमण करेगा वो दुख रहेगा, जो निज परिणति करेगा वो सुखी रहेगा। इसलिए पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, शरीर का परिणमन, हाथ जोड़ो बोलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये ध्यान रखोगे तो सुखी रहोगे, तुम जानो भैया, तुम जान रहे तुम्हारा काम है, मैं जानू मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये यही भेद ज्ञान है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तेरा परिणमन तेरे साथ, मेरा परिणमन, बस इतना रख लोगे तो निज परिणति उत्पन्न हो जाएगी। तो निज परिणति से तो अत्यंत अभिन्न है, अलग नहीं हो सकते, पर की परिणति से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसकी परिणति उसमें हो रही है, मुझमें नहीं हो रही। हे प्रभु, आपने ऐसा महापुरुषार्थ किया, क्योंकि अनादि काल से हम पर की परिणति को अपनी परिणति मानते आए हैं, इसलिए हम दुखी रहे, ठीक है, अत्यंत विमल हैं,
विमल क्यों है? क्योंकि द्रव कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीन प्रकार के कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है, इसलिए आप विमल नहीं अत्यंत विमल हैं। घी शुद्ध घी है, घी तो घी है पर कैसा है? शुद्ध घी है। विमल तो है पर कैसे हैं? अत्यंत विमल हैं। सभी विशेष, जितने आपके विशेष हैं, मतलब विशेष मतलब जितने भी गुण आपके हैं, विशेष तो गुण होते हैं ना, तो जितने आपके गुण हैं वो सभी कैसे हैं? विमल हैं। मल शेष शोध राखो नलेश, इतना शोधन किया कि एक कण मात्र भी अपने में किसी राग का या कर्म का अपने पास शेष नहीं रखा। ठीक है, इसलिए हे प्रभु आपकी जय हो। वो ऊपर से लगाते जाओ, वो ऊपर का बहता जाएगा, जय हो जय हो। मणि दीप सार निर्विघ्न ज्योति, स्वाभाविक निज उद्योत हो, त्रैलोक शिखर राजत अखंड, संपूर्ण दुति प्रगति प्रचंड। मणिदीप ही सबसे सारभूत प्रकाश है, जो कैसी है? निर्विघ्न ज्योति। देखो ये दिया, दिया की ज्योति क्यों हो रही है? यहाँ वहाँ क्यों हो रही है? हिल क्यों रही है? है? और मणि का दीपक हिल सकता है क्या? कितनी भी हवा चले, कितना भी तूफान चले, अचल रहेगा। क्या रहेगा? अचल रहेगा। निर्विघ्न ज्योति मणि दीप, जैसे मणि का दीप, उसका प्रकाश अचल है हवा से यहाँ वहाँ, ऐसे ही आपने केवल ज्ञान की ज्योति अपने अंदर पैदा की है, वो स्वाभाविक है। जैसे मणि का प्रकाश स्वाभाविक है, वो किसी से चलायमान नहीं हो सकता, ऐसे ही जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वो स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त किया है, वो चलायमान। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो कर्मजन है, कर्म का निमित्त है, उसका क्षयोपशम चाहिए, ये चाहिए, निमित्त चाहिए, सास चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, तब जाकर के दिमाग लगे, समझ में आए। तो मति ज्ञान तो हिलता हुआ, मंगल सेन जी, हिलता हुआ दीपक का प्रकाश है, कब बुझ जाए पता नहीं, लेकिन मणि का दीप प्रकाश बुझने वाला, ऐसा केवल ज्ञान स्वाभाविक निज उद्योत होत, लिखा है ना, निज उद्योत, उद्योत मतलब प्रकाश, स्वाभाविक रूप से अपने में प्रकाशित होता है। और सुनो, जैसे दिए को ऊंचे स्थान पर रख दो तो प्रकाश, एक खम्मा बीच में लगाओ और ऊपर रख दो तो उसका प्रकाश क्या हुआ? ऐसे सिद्ध भगवान आप ऐसे मणि दीपक हो जो तीन लोक के ऊपर जाके विराजमान हो गए और सारे तीन लोक को प्रकाशित कर रहे हो। लिखा है, देखो आगे, मुंडी मत मटकाओ। त्रैलोक शिखर राजत कहां पर है? कहां पर राज रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं? तीन लोक शिखर में। और कैसा है वह? अखंड। वो तुम लोग आते मंदिर में अखंड दीपक तब भी बुझ जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा अखंड दीपक ज्ञान ज्योति है जो ऊपर विराजमान है, और क्या हो रहा है? संपूर्ण दुति प्रगति प्रचंड, और वहां से दुति प्रकाश संपूर्ण तीन लोक में क्या है? अरे चारों गति में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो वहां का प्रकाश सब जगह जा रहा कि नहीं जा रहा, बोलो। जब सम्यक दर्शन चारों गति में है तो भगवान की केवल ज्ञान का प्रकाश जो उसे प्रकट कर ले उसे ही। हाँ, मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिसे ही प्रकाश सो नसत सार, सो सुलभ रूप पायो न अर्थ, जिसे कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ।
जो वो प्रकाश है, वो जो केवल ज्ञान प्रकाश है, तिस ही प्रकाश सो नसत सार, उस ही केवल ज्ञान के प्रकाश से नाश होता है। क्या नाश होता है? मुनि मन मंदिर को अंधकार। मुनि के मन मंदिर में जो भी अज्ञानता का अंधकार है, वो भी उस केवल ज्ञान के प्रकाश से क्या होता है? महाराज जी, मुनिराज को भी अज्ञान का अंधकार होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अज्ञानी ही मानो। क्या मानो? हाँ, जो कर्म जन कर्म की सहायता लेने वाला ज्ञान, वो ज्ञान किस काम का ज्ञान? तो बोले अज्ञान ही समझो, इसलिए वो भी अज्ञानी है। पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी वाले अज्ञानी नहीं है, अल्प ज्ञानी होने के कारण अज्ञानी है। तो उनका अल्प ज्ञान का जो अंधकार है, उसको भी वही केवल ज्ञान प्रकाश जो है, क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। सो सुलभ पायो नार, जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं लिया है, उनको सुलभता से तत्व का ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब स्वभाव, अर्थ का मतलब पर्याय, और अर्थ का मतलब धन। अब तुम्हें किसमें क्या लगाना लगा ले। यहां तो सुलभ रूप पायो न अर्थ, अर्थ मतलब स्वभाव, अपना आत्मा का स्वभाव सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता जिसने केवल ज्ञान में नहाया, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ। और जिसने इसको प्राप्त नहीं किया, जिन मुनि नारद ने भी इस ज्ञान को प्रकट नहीं किया, तो भव भव में क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। जो कल्प काल में हो तो सिद्ध तुम छिन्न ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, भवि पततन को उद्धार हेत हस्तावलम्ब तुम नाम देत। कल्प काल में होत सिद्ध, जो भी कल्प काल में जितने सिद्ध हुए हैं, आगे होंगे, तुम छिन्न ध्यावत लहिए प्रसिद्ध, वो सभी कैसे होंगे? क्षण मात्र के लिए आपका जो ध्यान करेगा, या आप जैसे स्वरूप का अनुभव करेगा, वही सिद्ध बन पाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप भवि भव्य जीवों के पततन को उद्धार हेतु, वो जो गिर रहे हैं, संसार में गिर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, पतित हैं, उनके उद्धार में आप हेतु हो, क्योंकि आपका क्षण मात्र ध्यान करने मात्र से वो क्या बन जाते हैं? बोलो, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसलिए आपको जगत में एक नाम दिया जाता है, हस्तावलंब। क्या नाम दिया जाता है? जैसे कोई गिर जाए और उसको आपने हाथ का अवलंबन दे दिया, तो वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो हे सिद्ध भगवान, आपके अनंत नाम में एक नाम आपका और भी है। क्या नाम है? हस्तावलंब। जो संसार में पतित हो रहे हैं, उनको हस्त का अवलंबन देना, सहारा देना, ऐसा आपका काम है। इसलिए आप हस्तावलंब नाम से भी जाने जाते हैं। आपकी जय हो। तुम गुण सुमिरन सागर अथाय गण धर सरीक नहीं। तेज बोलो। जो भव दधि पारे अभव रास, पावे न प्रथा उद्यम प्रयास। तुम गुण सुमिरन, तुम्हारे गुणों का जो सुमिरन है, सागर जैसे अथाय है, जैसे एक छोर में खड़े हो जाओ समुद्र के, तो दूसरा छोर दिखता है क्या? किनारा दिखता है? ऐसे ही आपके हम गुणों का बखान करें, वर्णन करें, देखना प्रारंभ करें, तो अंत तो हो ही नहीं सकता। अरे गढ़धर सरीक नहीं पार पाए,
गणधर मना परे ज्ञानी वो वर्णन करना प्रारंभ करें, वो भी आपके गुणों को पूरा वर्णन नहीं कर पाए, फिर तो हम जैसे लोग कैसे मामूली लोग हैं। बोलो, मूली नहीं है? क्या कह रहे? हाँ, जो भव दधी पार अभव्य रास, अभव्य की जो राशि है संसार में, भवदधि मतलब संसार समुद्र को पार, अभव्य राशि जितनी अभव्य राशि है पावे ना वृथा उद्यम प्रयास, अभव्य जितने जीव हैं संसार में वो संसार समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे, उनका तो उद्यम क्या है? व्यर्थ है। ठीक है ना? तो क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे अभव्य राशि अनंत 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 काल तक भी उद्यम करे तो मोक्ष, ऐसे गणधर शरीर के जीव भी अनंत 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 काल तक भगवान के गुणगान करते रहे तब भी, वो एक एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है? अभव्य का एग्जाम्पल दिया है, वो उदाहरण समझाने के लिए। समझ में आया ना? हाँ। जिन मुख द्रह सोने कसी अभंग अति वेग रूप से धांत गंग नए सप्त भंग कल्लोल तिहुं लोक बही धारा प्रमाण। अब भगवान को वहां से ऊपर से धारा निकल रही, जिन मुख, जिनेन भगवान के मुख रूपी द्रह, द्रह द्रह मतलब सरोवर, मुख रूपी सरोवर से निकसी, सर्वांग रूपी सरोवर, सर्वांग से क्या निकली और कैसे निकली? अभंग धारा, बिल्कुल प्रभाव से, भंग भंग होकर के नहीं, टुकड़े में होकर के नहीं, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू जिनेन भगवान के मुख रूपी द्रह से सरोवर से अभंग रूप से क्या निकली? अति वेग रूप से, अभंग से भी और स्लोली स्लोली नहीं, बिल्कुल अति वेग रूप से क्या निकली? सिद्धांत रूपी गंगा। क्या निकली? बोलो। भगवान के मुख से जिनवाणी आत्मकल्याण की वाणी निकली वही सिद्धांत रूपी गंगा है, और हम सब लोग उस सिद्धांत रूपी गंगा में स्नान करने वाले हैं। ये जल के सरोवर में स्नान करने वाले हम लोग नहीं है। कहाँ स्नान करते हम? सिद्धांत रूपी गंगा में। किसमें स्नान करते हैं? सिद्धांत किसे कहते हैं? ठीक है, आगम को कहते हैं, कोई बात नहीं। बोलो, सिद्ध अंत दोनों मिला दो क्या बनेगा? सिद्ध प्लस अंत क्या बन गया? सिद्धांत। जो भगवान की वाणी तुम्हें अंत में सिद्ध बना दे उसका नाम सिद्धांत। क्या बना दे? जो वाणी सिद्ध ना बनाए वो सिद्धांत नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। जिनेन भगवान की वाणी भव्य जीवों के कल्याण के लिए निकलती है, और भव्य जीव भगवान बने इस भाव से निकलती है, और वो वाणी यदि सिद्ध नहीं बना रही है तो वो सिद्धांत नहीं कहलाएगी। कोई भी शास्त्र उठा लो और उससे तुम्हें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो रही, वो हमारा शास्त्र नहीं हो सकता है। और आप सारा पढ़ लेना, इसके लिए तो घंटों प्रवचन है, अभी समय नहीं है, बताएंगे कभी सिद्धांत। नए सप्त भंग कल्लोल, अच्छा गंगा में क्या होती है? लहरें, लहरें उठती है ना, उछल उछल के लहरें आती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी भगवान की वाणी रूपी जो गंगा है उस गंगा में लहरें उत्पन्न हो रही हैं,
नए सप्त, सात प्रकार के सप्त भंग है, उसकी कल्लोल, उसकी लहरें। आचार्य जी बोलते थे कि भैया गंगा के किनारे में जाकर के, नदी के किनारे में जाकर के गाय सिर्फ अपना मुंह खोल ले, बस क्या कर ले, और लहरें आएंगी और सीधे उछल उछल के कहाँ जाएंगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोल रहे हैं ऐसे ही देव शास्त्र रूपी गंगा के पास आकर के सिर्फ अपने कान खोल लो, अपनी आंख खोल लो और कुछ नहीं करना है, बाकी काम तो गुरु महाराज कर ही देंगे। समझ में आया ना, है सब अंदर भगवान का ज्ञान, मोक्ष मार्ग सब दे देंगे। तो गाय इतना तो पुरुषार्थ करे कि गंगा के किनारे पीने का पुरुषार्थ ना करे, सिर्फ मुंह खोल के खड़ी हो जाए बस, वो ठीक है ना। ऐसे ही बोले सप्त भंग, भगवान की वाणी कैसी है, सप्त भंग, सात भंग होते हैं। कितने भंग होते हैं देखो, कोई भी अपने मन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको अपन सात प्रकार से पूछ सकते हैं। कितने प्रकार से, और कोई भी आंसर देना होगा तो एक ही प्रश्न का सात प्रकार से आंसर भी दिया जा सकता, उसे बोलते हैं सप्त, सात प्रकार का भंग। कितने प्रकार का, हाँ सात प्रकार का भंग बनता, तीन चीज के लीजिए और तीन चीज के सात प्रकार के भंग बन जाते हैं, ठीक है ना। बोलो अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, वस्तु है, बोलो वस्तु है, वस्तु नहीं है, कही नहीं जा सकती, है या नहीं को एक साथ नहीं कह सकते हैं। तो जैसे क्या बोलते कि आप दरवाजे में खड़े हो, श्वेता कहाँ खड़े हो, दरवाजे में खड़े हो, और तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ खड़े हो, तो तुम उसको सात आंसर दे सकते हो। मंगललाल जी कितने, मंगलसेन जी कितने, सात आंसर दे सकते हो। आपको स्यात लगाना पड़ेगा, स्यात मतलब अपेक्षा, कथनचित मैं मंदिर के अंदर हूं, क्योंकि एक पैर मेरा अंदर है इसलिए मैंने आंसर क्या दिया, कथनचित। और दूसरा आंसर ये दे सकते हैं, कथनचित मैं मंदिर के, क्योंकि एक पैर मेरा बाहर है। कितने आंसर हो गए। तीसरा आंसर दे सकते हो, कथनचित मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं, तीन हो गए। चौथा आंसर दे सकते हो, अवक्तव्य, बोलो मैं बता नहीं सकते मैं कहां हूं, क्या मेरे वचन का विषय नहीं है, क्योंकि मैं अंदर बताऊं कि बाहर बताऊं, मैं एक साथ आंसर नहीं दे सकते हूं, इसलिए मेरा आंसर क्या है, अवक्तव्य, मैं बता नहीं सकते। कितने बन गए, हो गया याद रहेगा, बोलो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, चार हो गए ना। स्याद अस्ति मैं अंदर हूं, नास्ति से उत्तर देना है, मतलब किसी चीज का आंसर हमको सकारात्मक देना है या नकारात्मक देना है या दोनों मिला के देना है, या दोनों का नहीं देना। यदि हमको देखो अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सकारात्मक है, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये कौन सा है, दोनों के अर्थ एक ही हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं, पर समझाने का तरीका अलग अलग है। एक से सिर्फ पॉजिटिव कहा जा रहा, भाई देखो आप जो है सत्य का पालन करा करो, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव बोले तो सुनो झूठ मत बोला करो, तो नेति नाना लगा के बोलो, तो ऐसी एक ही वस्तु अस्ति और हाँ, जैसे रमेश जी हैं, भाई मैं पुरुष हूँ अस्ति, क्या है मैं पुरुष हूँ अस्ति, अब मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, तो मेरे में ही नास्ति भी है अस्ति भी है, और मेरे में किसी अपेक्षा से पक्का ध्यान रखिए ना। ये तो कौन से कितने हो गए थे, कितने हो गए थे लक्षिता, चार हो गए, तो ध्यान रखना। अब पांचवा बनाएंगे, स्याद अस्ति अवक्तव्य, कथनचित मैं अंदर हूं पर बता नहीं सकता,
स्याद नास्ति अवक्तव्य, कथनचित में बाहर हूं पर बता नहीं सकता। कितने हो गए? छह वाले हैं, बहुत ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन प्रभु आपकी सप्तभंग स्यादवाद अनेकांतवाद वाली वाणी होने के कारण आपका गंगा का सिद्धांत रूपी गंगा का जल विशेष है, उसको चरणों में नहीं माथे पर। लोग बोलते हैं गंगा में क्यों स्नान नहीं करते जैन? क्यों करेंगे भाई? गंधोदक को पैर में क्यों लगाएंगे? हिमालय से वहां से, बद्रीनाथ से वहां, अष्टापद से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करते हुए आ रही है, उसमें नहाएंगे क्यों? वो तो गंधोदक है, ठीक है। ऐसी भगवान की वाणी सिद्धांत रूपी आ रही गंगा, वही वाणी वही जल श्रेष्ठ है। बाकी तो संसार में बहुत वाणी है, बहुत बह रहा है, लिखा है ना, सो तुम ही सो सोहिनी, नातर नहीं तो जल समझू बहे, सो ठीक है। ऐसे जल के समान तो बहुत बह रही है, तो ठीक है, उससे हमें क्या लेना देना, आपके मुख से निकली है इसलिए वो श्रेष्ठ है। निज पर आत्म आत्मभूत, जो निज का और पर की आत्मा का ज्ञान कराता है, जब से उत्पत्ति सूत्र, तभी से आपकी उत्पत्ति हुई है, सूत्र की क्या हुई है? सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। जो महाशीत ही हिम प्रभाव है, मैटन समरथ अग्निदा, त्यों आप महामंगल स्वरूप, पर विघ्न विनाशन सहज रूप। जैसे महाशीत महा ठंड का ही हिम प्रभाव, हिम का प्रभाव, हिम की जो हवा चलती है, बर्फ की जब हवा चलती है तो महाशीत होती है, तो उस महाशीत को महा ठंड को मेटने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आग चाहिए ना, तो समरथ अग्नि दाह है, अग्नि की दाह ही समर्थ है उस शीत को मेटने में। ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, जब देखो विघ्न ही विघ्न रहते हैं धर्म में मोक्ष मार्ग में, उन समस्त विघ्नों को नाश करने में कोई समर्थ है तो एकमात्र आप ही हैं। त्यों आप महामंगल स्वरूप हैं, पर विघ्न विनाशन सहज रूप, आप सहज रूप से ही विघ्नों का नाश कर देते हैं, इसलिए आप महामंगल हैं। हे संत दीन तुम भक्ति ली, सो निश्चय पावे पद प्रवीण, ताते मन वच तन भाव धार, तुम से धन को मैं नमस्कार। संत कह रहे हैं मैं तो बहुत दीन आदमी हूँ, ठीक है ना, तुम भक्ति में लीन हूँ, हमारी कौन सुनने वाला है, हम बहुत दीन हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं, हम ना कुछ जानते नहीं हैं, पहचान नहीं है, डायरेक्ट पहचान नहीं हमारी, संतों की तो बात छोड़ो, मुनियों की तुम्हारी डायरेक्ट पहचान है, हम तो छोटे से कवि हैं, किनारे में बैठे रहते हैं, दीनहीन हैं, फिर भी तुम्हारी भक्ति में लीन हैं, पर हमें अपनी भक्ति पर विश्वास है। क्या? हमें अपनी भक्ति पर विश्वास है। क्या विश्वास है? निश्चय पावे पद प्रवीण, हे प्रभु जो आपका उत्तम पद है हम निश्चय प्राप्त करेंगे, ये हमें बिल्कुल विश्वास है। ताते मन वच तन भाव धार, इसलिए मैं अपने मन को वचन को तन को भावों से धारण करते हुए तुम सिद्धन को मम नमस्कार, मैं समस्त सिद्धों को क्या करता हूँ? भक्ति भाव से, मन वचन काय से। जो तुम ध्यावे भाव सो ते पावे निज भाव, अग्नि पाक संयोग करे शुद्ध शुद्ध स्वर्ण उपा। जैसे अग्नि के संस्कर से अशुद्ध सोना भी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है,
ऐसी हे प्रभु जो तुम्हारा ध्यान करते हैं भाव से, उनकी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन जाती है। जय बोलो सिद्ध अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। बोले आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। हाँ माइक लाओ बेटा, कॉर्डलेस दे दो। चलिए प्रतिदिन की भांति आपको सिर्फ हाथ उठाना है, जिनको भी आता है। हेलो, आओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। अरे भक्ति में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। नाइन हो गए, एक दो। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझ दो ऐसा वरदान। प्रभु करता रहूं मैं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम जपते जपते मेरे तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। प्रभु करता रहूं मैं गुणगान, मुझे दो ऐसा। तीन आंटी आउट हो गई, ये तीन आंटी आउट हो गई। हाँ हाँ, ये पांच। इनाम नहीं देना, कब देना है? जब ये आउट होंगे, अभी बाद में। और मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, ये मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में कषाय बताओ, अब मौसी टोली तुमने मौसी नानी का साथ छोड़ दिया। और केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, मन केसरिया, केसरिया केसरिया। तत्व 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 कोई, अरे गिरा मत देना एक दूसरे को। नहीं, तत्व मतलब सार।
चार ही दो, पांच ही दो, अरे आप तो आउट हो अंजू मौसी, आप सब आउट हो गए, बस पूनम आंटी का ग्रुप बचा है। का हुए साथ? और मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। कषाय कषाय कसाय, ये चारों जीत गए, पूनम आंटी वाला ग्रुप जीत गया। ले जाओ ये चार डिब्बा, ले जाओ, इसमें चमचम रखी है, लेकिन रात में नहीं खाना, चमचम रखी है इसमें। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।